कुशीनगर में लोगों को ला रही नाव नारायणी नदी में फंसी। 100 से ज्यादा लोग नाव के साथ नदी की धारा में फंसे। नाव का डीजल टैंक फटने से नदी के बीच हुआ था इंजन फेल। गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से राप्ती और रोहिणी उफान पर हैं। बारिश होने की वजह से रोहिणी और राप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बन रहा है। कानपुर में चकेरी के जाजमऊ में युवक को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मारपीट करते दिख रहे हैं कुछ लोग। हरदोई में पाली थाने के सहजनपुर गांव में शराब के नशे में विवाद में बेटे को बचाने के चक्कर में पिता की मौत हो गई। नशेबाजों ने पिता को पीट पीट कर मार डाला। फिरोजाबाद में आम तौलने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद में आम के ठेले वाले और बाइक सवार के बीच मारपीट हो गई। सही और खराब आम को तौलने की वजह से झगड़ा हुआ। रुड़की में आपसी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल है। 14 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है। रामपुर में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर अचानक आग लग गई। पेट्रोल पंप पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अचानक लगी आग की चपेट में आकर 5 लोग झुलस गए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वाराणसी पहुंचे। यहां पर उन्होंने बारिश में जलजमाव का स्थलीय दौरा किया और सरकार पर प्रहार किए। उत्तराखंड में भी आज बारिश का अलर्ट है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर में पहले ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने प्लांट स्थापित करने आए इंजीनियर से वार्ता की और यहां के तकनीकी पहलुओं को समझा।